नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिथुन राशि, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021, चार बड़ी खुशखबरी आपकी किस्मत संवार देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है, यानी मिथुन राशि के जातकों आने वाले इन तीन महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किस क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना, साथ ही हम बताएंगे कैसा रहेगा आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थितियाँ किस प्रकार से रहने वाली है, साथ ही स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही मिथुन राशि के हम आपको बताएंगे कौन सा आपका कार्य पूरा होने वाला है जिससे कि आपका जलवा पूरी दुनिया देखेगी, साथ ही वो चार बड़ी खुशखबरी जो आपकी किस्मत संवार देगी। तो आप यदि मिथुन राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ छोटे छोटे महा उपाय भी बताने वाले हैं। इन उपायों को करके मिथुन राशि के जातकों आप अपने जीवन में सुफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2021 के महीने में जो ग्रह गोचरी स्थितियाँ हैं वह किस प्रकार से बन रही है। तो देखिए, मिथुन राशि के जातकों न्याय के देवता, जो कि न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं शनिदेव, ये आपके अष्टम भाव पे अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में, चूँकि 11 अक्टूबर तक वक्र स्थिति में रहेंगे, इसके बाद मार्गी स्थिति में आ जाएंगे और ये तीन महीने में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में मकर राशि में रहेंगे और 20 नवंबर तक स्वयं ज्ञान के कारक बृहस्पति ग्रह शनिदेव के साथ युति बनाकर चलेंगे आपके अष्टम भाव पर और उसके बाद वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक महीने के मध्य में इनका राशि परिवर्तन होगा, यानी कि कन्या से तुला राशि, तुला से वृश्चिक और फिर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह भी बुधादित्य राज्यों का निर्माण करेंगे। तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियाँ। अब इन्हीं के आधार पर जानेंगे मिथुन राशि के जातकों की अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2021 के महीने में किस प्रकार से आपको चार बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों आपकी आर्थिक स्थिति, बिजनेस, व्यापार, कारोबार कैसा रहेगा। तो देखिए, आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये तीन महीने, क्योंकि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके कैरियर में कुछ नए लाभ हो सकते हैं। एक तो आपको उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन के योग बनेंगे, साथ ही सैलरी में वृद्धि के योग बनेंगे। और साथ ही मिथुन राशि के जातकों, अगर अभी तक आपके ट्रांसफ़र के योग नहीं बन पा रहे थे आपके मन मुताबिक जगह पर, तो वो बनते नजर आएंगे, तो इसका भी लाभ मिलेगा। आपके जो बड़े अधिकारी हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, तालमेल बेहतर होगा और इसका बेनिफिट आपको आपके कैरियर में मिलेगा। अगर कोई प्लानिंग करते हैं कैरियर से संबंधित मिथुन राशि के जातकों, तो इससे आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। प्रत्येक कार्य क्षेत्र को बड़ी बारीकी से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, हर कार्य को बड़े बारीकी से करते नजर आएंगे। जो भी कार्य करेंगे सोच समझ कर हालांकि करेंगे। किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले मिथुन राशि के जातकों जांच पड़ताल जरूर कर लें, एक बार एक्सपर्ट से सलाह लें, क्योंकि बिजनेस व्यापार में आप बहुत महत्वपूर्ण, आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है। तो पहली बड़ी खुशखबरी, धन को लेकर चिंताएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं जो आपकी किस्मत संवार देगी, क्योंकि ये जो डील फाइनल होगी बिजनेस व्यापार में, इसमें सफलता मिलेगी, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी मिथुन राशि के जातकों। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ साथ वित्तीय मामलों में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो मिथुन राशि को निश्चित तौर पे कहा जाए तो पहली बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, जो कि धन को लेकर पूरी होंगी। और अगर कोई आपका धन रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, वो पूरा होगा। तो मिथुन राशि को अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में धन संबंधी योजनाओं पर काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस व्यापार का विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर नई प्लानिंग कर सकते हैं, नए सिरे से आप कुछ निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। मिथुन राशि को कैरियर में भी आपको आपके बड़े अधिकारियों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे। तो दूसरी बड़ी खुशखबरी, आपके नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आपकी नौकरी लग सकती है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सी आपको अक्टूबर के महीने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत आपको चिंताएं या फिर परेशानियां आपको
परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य संबंधी जैसे गाड़ी वाहन का अगर आप अक्टूबर के महीने में प्रयोग कम करें, बल्कि नवंबर में आप दिसंबर में कर सकते हैं। नवंबर में तो आप एक नए वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, जो कि तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके लिए होगी, और ये एक बेहद बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। तो ये आपको प्राप्त होगी, नए गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, नए घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। घर के सपने देख रहे थे तो नए घर की खरीदारी कर सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं। तो नवंबर के महीने में ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी। दिसंबर के महीने में आप अपने मन मुताबिक जगह पर ट्रांसफ़र अपने नौकरी की करवा सकते हैं, फिर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए तीन महीने में बेहतर साबित होगी। वहीं अगर हम पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ एकजुटता और मेल मिलाप देखने को मिलेगी। आप लोगों के बीच काफ़ी अच्छी जमेगी, आप लोगों के बीच यानी कि जमती नजर आएगी। हर स्थितियों को बड़ी बारीकी से करते हुए नजर आएंगे। हर कार्य क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि लाभ मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। हर कार्य में बड़ी बारीकी से करेंगे तो इसका लाभ बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा, माता पिता के साथ भी काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते नजर आएंगे। मिथुन राशि के लोगों को चौथी बड़ी खुशखबरी, संतान की इच्छाएं पूरी होंगी। संतान को लेकर जो अभी तक समस्याएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो संतान की समस्याएं अब दूर होंगी और आपको एक बेहद बड़ी खुशखबरी प्राप्त होती नजर आएगी। देखा जाए तो यहाँ पर मिथुन राशि के लोगों को आपके संतान की कामयाबी से भी मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही आपके घर में नन्हे से मेहमान का आगमन होगा। तो वहीं जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। जीवनसाथी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, उनके साथ ढेर सारी मीठी मीठी बातें हो सकती हैं और उनके साथ कुछ अच्छे लम्हों को गुजारते नजर आएंगे। और अभी तक अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं थी, दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर होंगी और आपस में यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं करेंगे। महिला हैं तो पुरुष से लाभ होगा, पुरुष तो महिला से लाभ होगा। लव लाइफ भी बहुत खूबसूरत रहेगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच यहाँ पर मिथुन राशि के आपके लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट और उपहार देने की सोच सकते हैं। उनके साथ किसी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हर प्रकार से लाभ मिल सकते हैं, हर प्रकार के कामों पर आप यानी कि योजनाओं पर भी काम कर सकते हैं। तो ये स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होगी आपके लिए। मिथुन राशि को निश्चित तौर पर कहा जाए तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद रहेगा, किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करें तो वो आपको खुशखबरियाँ प्राप्त होंगी। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सामाजिक स्तर पर आप काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करेंगे। राजनीति में भी आप काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से आपका लगाव हो सकता है। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, हालांकि यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, अपने कीमती चीज़ों का देखरेख जरूर करें, लेकिन आपकी विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश में आप नौकरी करने के लिए या फिर वहाँ पर महत्वपूर्ण कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसको और भी ज़्यादा विस्तार करने के लिए सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मिथुन राशि को ये तीन महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम खास उपाय की बात करें, जो महत्वपूर्ण उपाय आपको इन तीन महीनों में करना है, तो देखिए पहला उपाय यह है कि अगर आप विष्णु सहस्त्र स्त्रोत का पाठ करें तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा उपाय, अगर गणेश भगवान को दूर्वा की माला पहनाएं और आप पीले हल्दी का चंदन आप जरूर मस्तक पर धारण करें। साथ ही तीसरा जो महा उपाय है वो ये कि अगर हनुमान जी को आप चने, भुने हुए चने और गुड़ आप जरूर उनके मंदिर में उनके यानी कि मूर्ति के पास डालें। साथ ही साथ जो सिंदूर होता है वो चढ़ाएं मंगलवार के दिन, और गरीब निर्धनों को आप कपड़े का, अन्न का, वस्त्र का दान करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तीन महीनों का राशिफल, अक्टूबर, नवम्बर और दिसंबर का राशिफल। तो दोस्तों जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।